जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में 45 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें गोरखपुर शहर विधानसभा में सपा पार्टी से सुभावती, राइट्स रिजकल पार्टी से रामदवन मौर्य, जनता रक्षक पार्टी से जसकरण राज, निर्दल से राकेश कुमार निषाद, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में अपना दल पार्टी से कौशल्या देवी, जन अधिकार पार्टी से मोहम्मद मिनतुल्ला, राष्ट्रीय गणतंत्र पार्टी से गौतम, भारतीय जनता पार्टी से विपिन सिंह ने पर्चा दाखिल किया। इसके अतिरिक्त बांसगांव विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से रामनयन आजाद, विकासशील इंसान पार्टी से विजय कुमार, कैंपियरगंज विधानसभा में आम आदमी पार्टी से कौशल कुमार सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार, निर्दल से विद्या भारती, इंडियन नेशनल लीग पार्टी से विंध्यवासिनी, निर्दल से अशोक, विधानसभा सहजनवा में बहुजन समाज पार्टी से सुधीर सिंह, समाजवादी पार्टी से यशपाल रावत, जन अधिकार पार्टी से दिलीप मौर्य, बहुजन मुक्ति पार्टी से रमाकांत, आम आदमी पार्टी से प्रशांत, विधानसभा खजनी में जन अधिकार पार्टी से रमेश चंद, चौरी चौरा विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र पांडे, निर्दल से अजय कुमार सिंह, सत्य बहुमत पार्टी से राहुल, निर्दल प्रत्याशी राधिका, आम आदमी पार्टी से अखिलेश, समाजवादी पार्टी से ब्रजेंद्र चंद्र लाल, निर्दल मनीष सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितेंद्र पिपराइच, विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से दीपक कुमार अग्रवाल, निर्दल से कुमार सत्यम अग्रवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डॉक्टर असीम कुमार सिंह, जन अधिकार पार्टी से नमीम शाही, भारतीय अपना समाज पार्टी से आशीष कुमार, निर्दल राज बहादुर, चिल्लूपार विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सोनिया शुक्ला, समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी, निर्दल से अरविंद कुमार, आजाद समाज पार्टी कांशी राम से पूनम गुप्ता ने पर्चा दाखिल किया। इसी प्रकार गोरखपुर शहर विधानसभा में 9, गोरखपुर ग्रामीण में 2, पिपराइच में 3, सहजनवा में 4, कैंपियरगंज में 2, चिल्लूपार में 2, चौरी चौरा में 1, खजनी में 4 तथा बांसगांव में 3, कुल 30 पर्चे लिए गए, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को 2, 5 फरवरी को 5, 7 फरवरी को 11, 8 फरवरी को 19, 9 फरवरी को 35 तथा 10 फरवरी को 45 नामांकन किए गए, जिसमें कैंपियरगंज विधानसभा में 10, पिपराइच में 11, गोरखपुर शहर में 22, गोरखपुर ग्रामीण में 18, सहजनवा में 13, खजनी में 9, चौरी चौरा में 19, बांसगांव में 5 और चिल्लूपार में 10 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज कुल 45 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अगर हम पिछले दिनों की चर्चा करें तो 4 फरवरी को 2 नामांकन, 5 फरवरी को 5 नामांकन, 7 फरवरी को 11, 8 फरवरी को 19, 9 फरवरी को 35 और आज अर्थात 10 फरवरी को कुल 45 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अगर आज तक की स्थिति बताई जाए तो कैंपियरगंज में 10 नामांकन, पिपराइच में 11, गोरखपुर शहर में 22, गोरखपुर ग्रामीण में 18, सहजनवा में 13, खजनी में 9, चौरी चौरा में 19, बांसगांव में 5 और चिल्लूपार में 10 नामांकन प्राप्त हुए हैं।